सभी को गुड मॉर्निंग आज हम डिस्कस करते हैं ट्वेंटी फाइव मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैक्सिमम बार जो एग्ज़ाम में रिपीट हो चुके हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज यूड टू क्रिएट प्रेजेंटेशन वो कौन सी एप्लीकेशन है हम इस्तेमाल करते हैं क्रिएट करने के लिए प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए कौन सी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो कौन सी है एम एस पावर पॉइंट एम एस पावर पॉइंट को हम इस्तेमाल करते हैं करने के लिए प्रेजेंटेशन कॉल्स एक सिस्टमेटिक तरीके से जो डिस्प्ले करना हमें डाटा के साथ में क्या ग्राफिक साउंड और मूवी को डिस्प्ले करना है किसके साथ में डाटा के साथ में तो उसको हम क्या कहते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन को कहते हैं हम डिस्प्ले करता है डाटा के साथ में साउंड ग्राफिक एंड मूवीज और सिस्टेमेटिक तरीके से उसको डिस्प्ले करने को क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन तो आंसर इज ए वॉट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एम एस पावर पॉइंट जो एमएस पावर पॉइंट है उसका फाइल एक्सटेंशन क्या है तो क्या है उसका फाइल एक्सटेंशन डॉट पीपीटी डॉट पी पी टी इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एम एस पावर पॉइंट आंसर इज डी व्हाट इज एन इंडिविजुअल पेज ऑफ ए प्रेजेंटेशन कॉल्ड जो प्रेजेंटेशन का इंडिविजुअल पेज रहता है उस पेज को हम क्या कहते हैं तो उस पेज को हम क्या कहते हैं स्लाइड बहुत सारी स्लाइड को मिला के एक प्रेजेंटेशन बनाई जाती है तो इंडिविजुअल पेज के प्रेजेंटेशन के इंडिविजुअल पेज को क्या कहते हैं स्लाइड कहते हैं इन एमएस पावर पॉइंट विच इज़ ए शॉर्टकट की कम्बिनेशन फॉर इंसर्टिंग ए न्यू स्लाइड एम एस पावर पॉइंट में जो की कम्बिनेशन कौन सा शॉर्टकट की कम्बिनेशन है क्या करने के लिए इंसर्ट करना है एक न्यू स्लाइड न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए एम एस पावर पॉइंट में तो उसका शॉर्टकट की क्या है तो क्या है कंट्रोल प्लस एम कंट्रोल प्लस एम इसका शॉर्टकट की है स्लाइड इंसर्ट करने के लिए एम एस पावर पॉइंट में विच वन ऑफ द फॉलिंग कैन बी कैटागराइज एज ए मल्टी मीडिया सॉफ्टवेयर इसमें से कौन सा दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कैटेगराइज है मल्टी मीडिया सॉफ्टवेयर है तो मल्टी मल्टी मीडिया सॉफ्टवेयर कौन सा है इसमें से तो एम एस पावर पॉइंट एम एस पावर पॉइंट जो है एक मल्टी मीडिया सॉफ्टवेयर है आंसर इज सी ट इज एंड इलेक्ट्रॉनिक पेज इन ए प्रेजेंटेशन कॉल्ड जो इलेक्ट्रॉनिक पेज रहता है प्रेजेंटेशन का तो उसको हम क्या कहते हैं तो प्रेजेंट प्रेजेंटेशन का इलेक्ट्रॉनिक पेज को क्या कहते हैं हम स्लाइड आंसर इज सी बहुत सारी स्लाइड को मिला के हम एक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक पेज को क्या कहते हैं हम स्लाइड कहते हैं वॉट इज द शॉर्टकट की टू व्यू स्लाइड इन एम एस पावर पॉइंट वो कौन सा शॉर्टकट की है जिसे हम देख सकते हैं एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड को देख सकते हैं एमएस पावर पॉइंट में तो उसका शॉर्टकट की कौन सा है तो आंसर वट इज द की वोर्ड शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग डुप्लीकेट स्लाइड इन एमएस पावर पॉइंट एमएस पावर पॉइंट में जो डुप्लीकेट स्लाइड को क्रिएट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है तो कंट्रोल प्लस डी कंट्रोल प्लस डी का इस्तेमाल करते हैं हम क्या करना है डुप्लीकेट स्लाइड क्रिएट करना है तो इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस एम का इस्तेमाल करते हैं इंसर्ट करना है एक न्यू स्लाइड तो हम डुप्लीकेट का बात कर रहे हैं जहां डुप्लीकेट स्लाइड को क्रिएट करना है तो कंट्रोल प्लस डी फॉलोइंग एनिमेशन इफेक्ट जो दिए गए ऑप्शन है इसमें से एनिमेशन इफेक्ट कौन सा नहीं है तो एनिमेशन इफेक्ट कौन सा नहीं है, so, है, 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 so, है? इसका एनिमेशन इफेक्ट नहीं है तो so, आंसर हमारा रहा सी वट इज दर्ड शॉर्टकट टू क्रिएट ए ब्लैंक ब्लैंक प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने का शॉर्टकट की क्या है तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने का शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एन कंट्रोल प्लस जब एन हम करते हैं तो हमारा क्या होता है create होता डॉट बॉक्स मार्क इन द एमएस पावर पॉइंट जो डॉट बॉक्स मार्क रहता है एमएस पावर पॉइंट में वो क्या करता है क्या है वो

मिनू बार को रिप्रेजेंट करता है क्वेश्चन मार्क्स क्वेश्चन मार्क एमएस पावर पॉइंट में विच स्टेप विल यू सी टू व्यू ए स्लाइड शो वो कौन से स्टेप है जिससे हम हाँ आप व्यू कर सकते हैं देख सकते हैं एक स्लाइड शो को स्लाइड शो को देखने के कौन कौन से स्टेप है तो कौन से है व्यू में जाओगे उसके बाद स्लाइड शो ये भी एक इसका स्टेप है व्यू में जाने के बाद स्लाइड शो में चले जाओगे उसके बाद स्लाइड शो में जाने के बाद आप व्यू शो में भी चले जाओगे तो हम इसके हमारे दोनों जो स्टेप हैं बोथ ए एंड बी दोनों जो स्टेप हैं, इससे हम व्यू कर सकते हैं स्लाइड शो को एमएस पावर पॉइंट विंडो एनिमेशन पेन वो कौन सी साइड में एमएस पावर पॉइंट की कौन सी साइड में जो एनिमेशन पेन दिखता है हमें तो एनिमेशन पेन पे दिखता है हमें राइट right साइड में राइट right साइड में हमें एनिमेशन पेन होता है बी। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू कॉम्बिनेशन की इन एमएस पावर पॉइंट में जब हम प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस डब्ल्यू तो क्या होता है तो उसमें से जब प्रेस करते हैं तो क्या होता है क्लोज द फाइल फाइल क्लोज करने के लिए हम प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस डब्ल्यू इन एमएस पावर पॉइंट में तो आंसर सी विच ऑफ़ द कंबिनेशन की यू टू ओपन ए प्रेजेंटेशन वो कौन सी कंबिनेशन की है जो हमें प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो कौन सी है कंट्रोल प्लस ओ कंट्रोल प्लस ओ जब हम प्रेस करते हैं तो हमारा ओपन होता है प्रेजेंटेशन तो आंसर इज बी शॉर्टकट की टू डिलीट वन वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ कर्सर इन एम एस पावर पॉइंट में एमएस पावर पॉइंट में जब हम कर्सर को कहीं भी कर्सर रखते हैं उसके लेफ्ट साइड के वर्ड को डिलीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है तो किसी भी वर्ड हो चाहे एम एस पावर प्वाइंट में हो जो कर्सर के लेफ्ट साइड वर्ड है उसको डिलीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है जब हम करेंगे कंट्रोल प्लस बैक स्पेस कंट्रोल प्लस बैकस्पेस करेंगे तो जो कर्सर के लेफ्ट साइड में वर्ड है वो डिलीट हो जाता है आंसर इज द शॉर्टकट की फॉर चेकिंग स्पेल चेक इन एमएस पावर पॉइंट एमएस पावर पॉइंट में स्पेल चेक करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है तो कौन सा है कंट्रोल प्लस सेवन कंट्रोल सॉरी f7 जो है f7 जो है ये हमारा स्पेल चेक करने के लिए की है इन एमएस पावर पॉइंट वी कैन रिप्लेस ए फोंट ऑन ऑल स्लाइड विद अनादर यूजिंग फोंट डैश डैश ऑप्शन एमएस पावर पॉइंट में हमें रिप्लेस करना है सभी स्लाइडों को रिप्लेस करना है और साथ में जो फ़ॉन्ट है वो भी रिप्लेस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा किसमें क्या करना पड़ेगा हमें फॉर्मेट में जाना पड़ेगा उसके बाद रिप्लेसिंग फाउंड कौन से ऑप्शन में जाना है फॉर्मेट में जाना है उसके बाद क्या करना है रिप्लेस तो आंसर इज इज डी ऑफ द द फॉलोइंग अपोजिट टाइटल वार का अपोजिट वर्ड क्या है क्या है टाइटल वार का टोगल केस टोगल केस का अपोजिट क्या है टाइटल केस टाइटल केस का अपोजिट क्या है टोगल टाइटल केस का ऑपोजिट है टोगल केस आंसर इज सी टाइटल केस तो अपोजिट क्या है टोगल केस विच ऑफ़ द फॉलोइंग टूल वार इन एमएस एस पावर पॉइंट है बुलेट एंड नंबरिंग ऑप्शन वो एमएस एस पावर पॉइंट में कौन सा कौन सा जो टूल वार है जिसमें रहता है हमारा बुलेट्स रहता है और नंबर नंबर वाले ऑप्शन रहते हैं वो कौन सा हमारा टूल वार है वो क्या है फॉर्मेट फॉर्मेट में हमारा रहता है बुलेट और नंबरिंग तो किसमें जाना है हमें फॉर्मेट में जाएंगे तो उसके उसके बीच हमें वोल्ट की जरूरत है और नंबरिंग की जरूरत है तो फॉर्मेट में जाने के बाद हमें वहां दिखता है इज द शॉर्टकट कॉम्बिनेशन की टू इंक्रीज द साइज ऑफ सिलेक्ट टेक्स्ट इन एमएस पावर पॉइंट में एमएस पावर पॉइंट में जो सिलेक्ट टेक्स्ट है उसका साइज को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या प्रेस करना पड़ेगा तो इंक्रीज करने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर साइन ग्रेटर देन जो साइन है इसको प्रेस करना है हमें जब एक बार सेलेक्ट करना है टेक्स्ट को उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो साइन है ग्रेटर देन इसको प्रेस करना है तो ये हमारा साइज इंक्रीज हो जाएगा तो इसी के अपोजिट जो तो करने का है स्टेप्स टू सेव ए पावर पॉइंट फाइल पावर पॉइंट फाइल को तो सेव करने के कौन कौन से स्टेप्स हैं इसमें तो क्या है फाइल फाइल में जाओगे उसके बाद सेव में जाओगे तब तो हमारी सेव हो जाएगा फाइल के बाद सेव एज में जाओगे कंट्रोल प्लस एस मारोगे तभी सेव हो जाएगा तो इसमें ऑप्शन हमारा डी ऑल ऑफ द बब ये सब ऑप्शन है एमएस पावर पॉइंट में फाइल सेव करने के व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस पावर पॉइंट स्लाइड शो जो एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो का एक्सटेंशन क्या है फाइल एक्सटेंशन क्या है तो क्या है इसमें पी जो एस है ये एम एस पावर पॉइंट में स्लाइड शो का एक्सटेंशन है तो बी और नॉर्मली जो है पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन क्या है पी तो इसमें पूछा गया है एम एस पावर पॉइंट स्लाइड शो का एक्सटेंशन तो है पी पी एस फाइल एक्सटेंशन ऑफ द एम एस पावर पॉइंट स्लाइड शो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग